फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार टॉयकर बनाने वाले हैं और इस टॉयकर के ऊपर हम तरह तरह की चीज उठा के देखेंगे कि ये टॉयकर कितना ज्यादा पावरफुल है। फ्रेंड्स, सच में ये वीडियो काफी ज्यादा शानदार होने वाला है, प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। फ्रेंड्स, आप भी एक टॉयकर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखना। चलिए इस टॉयकर को बनाना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पावरफुल टॉयकर को बनाने के लिए हम इस टाइप का 6 गियर मोटर लेंगे और 6 इस तरह का पहिया लेंगे। और फ्रेंड्स, ये सारे चीज को फिट करने के लिए इस तरह का एक लकड़ी का टुकड़ा लेंगे और ये जो 6 मोटर है 3 मोटर इस साइड पर लगा देंगे और 3 मोटर इस साइड पर लगा देंगे। सबसे पहले इसको फिट करने के लिए हमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं ये जो मोटर है इसको यहाँ पर फिट करने के लिए टीन का कनस्तर यूज करने वाला हूँ। ये जो आप टीन का कनस्तर देख रहे हो इसका पत्ती बना लेंगे और इसका पत्ती बनाने के बाद स्क्रू से ये सारे मोटर कस देंगे। तो फ्रेंड्स, तब तक आप प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, आगे भी ऐसी मजेदार वीडियो आपको मिलता रहेगा। ये जो टीन का कनस्तर है इसका हम 6 पत्ती बना लेंगे। और फ्रेंड्स, आप अगर बच्चे हो तो टीन का कनस्तर से दूरी बना के रखें क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर होने से हाथ कट जाता है, इसलिए अपने बड़े भाई या फिर अपने पापा के सहायता से ये काट लेना। और फ्रेंड्स, मोटर को यहाँ पर फिट करने के लिए यहाँ पर हम पहले इसका माप ले लेते हैं और टीन का कनस्तर काट लेते हैं। पहले इस तरह से रखेंगे और से देखेंगे कितना दूरी लगता है। इतना तक लगता है भाई, इसे यहाँ पर ही काट देते हैं। फिर आप देख लेते हैं माप देकर, भाई ये तो बहुत ही बड़ा हो गया है, इसे छोटा करना पड़ेगा। अरे भाई, तरह से छोटा कर लिया और इसे यहाँ पर ऐसे फिट करेंगे और यहाँ पर एक स्क्रू लगाएंगे और इस नीचे एक स्क्रू लगा देंगे। इस तरह से हम 6 पीस काट लेते हैं। अब प्लीज वीडियो पर बने रहना। और फ्रेंड्स, हमारा 6 पीस काटना कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक एक करके सेट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो 6 पीस हमारा रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो सारे पीस पर दो दो करके सेट कर दिया है और ये सारे मोटर आप यहाँ पर फिट कर देते हैं। पहले इस साइड का एक मोटर यहाँ पर फिट कर देते हैं। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मोटर पूरी तरह से फिट हो चुका है और मोटर हिल भी नहीं रहा है। इस तरह से सारे मोटर को फिट कर देते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इस साइड पर तीनों मोटर फिट कर दिया और आप इस साइड पर भी फिट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हम 6 मोटर यहाँ पर फिक्स कर दिया और ये सारे मोटर एक एक करके टेस्ट करते हैं और सारे मोटर पर वायर लगा देते हैं। ये सारे मोटर पैरेलल में कनेक्शन कर देते हैं, टाइप का वायर लेते हैं और इस सारे मोटर पर फिट कर देते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो सारे मोटर पर पैरेलल कनेक्शन करके वायर जोड़ दिया। हमें इस मोटर का कनेक्शन इस तरह करना पड़ेगा कि सारे मोटर एक डायरेक्शन पर ही घूमे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इस साइड पर अलग कनेक्शन, इस साइड पर अलग कनेक्शन और ये जो दो वायर बचे हैं यहाँ पर हम जोड़ देंगे और ये सारे मोटर का डायरेक्शन एक साइड करेंगे, मतलब कि सारे मोटर एक साइड घूमेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर दो एक्स्ट्रा वायर लगा लिया, यहाँ पर हम बैटरी फिट करने वाले हैं इसलिए दो एक्स्ट्रा वायर लगा लिया और जो ये दोनों एक्स्ट्रा वायर है किसी भी एक मोटर पर फिट कर देंगे क्योंकि सारे कनेक्शन सेम हैं। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारा कनेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम बैटरी से टेस्ट करके देखते हैं सारे मोटर एक साथ रन होता है या फिर नहीं और किस साइड से घूमता है, सारे मोटर एक दिशा पर घूमता है या फिर दूसरा दिशा पर घूमता है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो सारे मोटर एक दिशा पर घूम रहा है। और फ्रेंड्स, आप ये सारे पहिया यहाँ पर फिट कर देते हैं। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो सारे पहिया लगा दिया। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये गाड़ी एक दिशा पर चल रहा है, मतलब कि सारे कनेक्शन ठीक ठाक है। तो चलिए आप ग्राउंड पर चलते हैं और इसका पावर टेस्ट करते हैं, इसका कितना ज्यादा पावर है। फ्रेंड्स, ये जो ट्रायकार देख रहे हो ये पूरी तरह से चलने के लिए रेडी हो चुका है। ये जो ट्रायकार है ये 1850 लैपटॉप की बैटरी से भी चलेगा और ये 12 वोल्ट की बैटरी से भी चलेगा, लेकिन 12 वोल्ट की बैटरी से हम ज्यादातर चलाएंगे तो ये मोटर खराब हो जाएगा। हम 12 वोल्ट की बैटरी से थोड़ा सा चला के देखेंगे, इसका चार्ज थोड़ा सा डाउन हो गया है इसलिए इसका यूज कर रहा हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसे ऐसे ही चेक करके देखते हैं फिर उसके बाद इसके ऊपर लोड डालेंगे। ये बहुत ही आसानी से चल चुका है और इसके ऊपर ये जो आधा ईंट है इसे हम यहाँ पर रख देते हैं और इसे चला के देखते हैं क्या इसे ले जा पाएगा या फिर नहीं।
और फ्रेंड्स आप देख सकते हो अद्दा ईट को बहुत ही आसानी से ले जा रहा है। इस अद्दा ईट को हटा देते हैं और ये जो बड़ा वाला ईट है इसे रख देते हैं। और फ्रेंड्स आप देख चुके हो ये जो टॉय कार है ये बहुत ही ज्यादा वजन नहीं उठा सकता है। गियर मोटर का टॉर्क बहुत ही ज्यादा कम है इसलिए ज्यादा लोड नहीं उठा पाता है। फ्रेंड्स आप देख चुके हो कि टॉय कार बन चुका है बट इसका पावर उतना ज्यादा नहीं है क्योंकि इसका जो गियर मोटर है बहुत ही छोटा छोटा है। अगर छोटा गियर मोटर के जगह पर बड़ा गियर मोटर लगाएंगे तो ये कार बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। और फ्रेंड्स ये जो टॉय कार है इसे बैटरी से चलाया था लेकिन इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सोलर पैनल से चला के दिखाएंगे। फ्रेंड्स आगे भी ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।